28 अगस्त 2024 की सुबह इजरायली सेना ने उत्तरी वेस्ट बैंक के कई इलाकों में हमले शुरू कर दिए। आईडीएफ का कहना है कि इन इलाकों में हमास के लड़ाके पैर पसार रहे हैं और इनके पीछे ईरान का हाथ है, जो गाजा और लेबनान की तर्ज पर इजरायल के खिलाफ एक पूर्वी आतंकी फ्रंट तैयार करना चाहता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इजरायल के लिए वेस्ट बैंक से हमास का सफाया कितना जरूरी है। दरअसल वेस्ट बैंक में करीब 30 लाख फिलिस्तीनी और 5 लाख सेटलर्स रहते हैं। ये गुर्दे के आकार की एक जगह है जो इजरायल और जॉर्डन के बीच है, और दशकों से फिलिस्तीनियों और इजरायलियों के बीच ये जगह जंग का अखाड़ा बनी हुई है। जब 1948 में इजरायल बना तो हजारों फिलिस्तीनी अपने घरों को छोड़कर वेस्ट बैंक में आ बसे थे, और 1967 के युद्ध में इजरायल का वेस्ट बैंक पर नियंत्रण हो गया और उसके बाद से धीरे धीरे इजरायली यहां आकर बसने लगे थे। लेकिन इजरायल ने कभी भी औपचारिक रूप से इस क्षेत्र पर अपना कब्जा घोषित नहीं किया। लेकिन वेस्ट बैंक में दो तरीके की व्यवस्था लागू हो गई। जो इजरायली वहां रहते हैं वो इसराइल में वोट करते हैं, और आम तौर पर ये सेटलर्स अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त इजरायली सीमा के भीतर रहने लगे। वहीं उनके पड़ोस में रहने वाले फिलिस्तीनियों को इजरायली सेना के अधीन रहना पड़ा, और इन फिलिस्तीनियों को कभी भी वोट देने का अधिकार नहीं मिला। और 1990 के दौरान फिलिस्तीनी नेताओं ने इसराइल के साथ ओस्लो समझौता किया, जिसके तहत फिलिस्तीनी अथॉरिटी बनी जो वेस्ट बैंक के कुछ कस्बों का प्रशासन देखती है। वेस्ट बैंक को समझौते के तहत 3 जोन में बांटा गया, लेकिन वेस्ट बैंक के 60% हिस्से पर इजरायल का नियंत्रण रहा और बचे हुए 2 हिस्सों की स्वायत्तता फिलिस्तीनी अथॉरिटी को दी गई। हालांकि इजरायली नेता फिलिस्तीन के नेताओं पर शांति समझौता को अस्वीकार करने का आरोप लगाते आ रहे हैं, और वेस्ट बैंक में इजरायलियों पर कई आत्मघाती हमले भी हुए जिनमें कई इजरायली मारे गए थे। और इसी कड़ी में इजरायल ने विरोधियों के सफाये के लिए पश्चिमी तट के प्रमुख फिलिस्तीनी शहरों पर फिर से कब्जा करके जवाबी हमले किए, और यही वजह है कि मौजूदा समय में इजरायली सेना फिलिस्तीनी शहरों पर सुरक्षा का कंट्रोल रखती है। और इस बात का फैसला आईडीएफ ही करती है कि वेस्ट बैंक में कौन प्रवेश करेगा और कौन इस जगह को छोड़ेगा। और इजरायलियों पर हमले करने के आरोप में वेस्ट बैंक के फिलिस्तीनियों पर मुकदमा भी इजरायल की मिलिट्री कोर्ट में चलता है, और वेस्ट बैंक में अधिकांश बिजली और पानी इजरायल से ही सप्लाई होता है। वही पैलेस्टाइन अथॉरिटी के अधिकारी अभी भी कुछ लोकल मामलों को मैनेज करते हैं, जैसे साफ सफाई, शिक्षा, अस्पताल और स्कूल फिलिस्तीनी अथॉरिटी के पास है। फिलिस्तीनी अथॉरिटी के पास अपने लोकल सुरक्षा गार्ड हैं, जो इजरायली सेना के साथ कोऑर्डिनेशन करते हैं, लेकिन उनके अधिकार भी सीमित हैं।